सुप्रभात मान्यवर। बेलग्रेड सर्बिया में एक नए दिन की शुरुआत, और आज मैं आपको कुछ स्पेशल जगहें दिखाना चाहता हूँ बेलग्रेड की। और ये आज मेरा लास्ट डे है यहाँ पे बेलग्रेड में। दरअसल इसके बाद हम निकलेंगे बेलग्रेड के, आप कह सकते हैं, इंटीरियर में, कंट्री साइड, जो छोटे छोटे गांव हैं यहाँ के, तो वहाँ पे मुझे जाना है। तो फ़िलहाल आज मैं यहाँ पे थोड़ा सा घूमूंगा, क्योंकि मेरे पास एक दिन का समय है। और यहाँ पे कुछ बड़ी ही इंटरेस्टिंग जगहें हैं जिनको मैं देखना चाहता था। बहुत सारे लोगों ने सजेस्ट किया था कि आप वहाँ पे जाइएगा, आपको अच्छा लगेगा। ये वाली जो स्ट्रीट है मेरे पीछे लेफ्ट राइट में, आप देखेंगे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। ये दरअसल कैफ़े स्ट्रीट है, तो यहाँ पे बहुत सारे आपको कैफ़ेज़ मिल जाएंगे, रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे। मतलब पूरा खाने पीने का जो हिसाब किताब है, वो पूरी स्ट्रीट में सिर्फ खाने पीने का हिसाब किताब है। अगर आप कभी बेलग्रेड आते हैं और कुछ डिफरेंट ट्राई करना चाहते हैं सर्बिया का, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं स्ट्रीट में। ये बिल्कुल ओल्ड टाउन के बिल्कुल जो बस स्टैंड है उसके ठीक ऊपर को जो मेन स्ट्रीट है वहाँ पे है। सिम के लिए इसके पास भी वही है, 3 GB वाला ही है। पूछा डू यू हैव अ सिम कार्ड? सिम कार्ड, सिम कार्ड, नॉट टेलीनॉर। Yes. And how much is the data? Data? No, no. Data, data. How many gig? Internet. Gigabytes. Gigabytes. ये लिमा 2 GB है. ये वही है, 5 वाला. ये काम करता है ना? हैं? सर्च करते हैं टेलीनॉर स्टोर. यहाँ पे हमें मिल नहीं रहे वो जो सिम हमें चाहिए 10 GB वाला। यहाँ पे हर जगह पे 5 GB वाला मिल रहा है। अब ये समझ नहीं आ रहा कि ये 5 GB वाला ही क्यों है, क्योंकि जो 10 GB वाला, उसमें प्रॉफिट ये है कि वो 500 सर्विन दिनार में आपको 10 GB मिल जाएगा, और ये 300 सर्विन दिनार में आपको 5 GB मिलेगा। तो 5 GB तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है, जल्दी से ख़त्म हो जाएगा। गलती से अगर मुझे एक वीडियो अपलोड करना पड़े तो डेटा सारा उसी में चला जाएगा, और जबकि मुझे यहाँ पे लगभग काफ़ी दिन रहना है अभी, तो मिल नहीं रहा। यहाँ पे आपको जो सिम कार्ड्स हैं, ये आपको कहीं पे भी मिल जाएंगे। ऐसे छोटे छोटे जो स्टॉल्स हैं यहाँ पे मिल जाते हैं, पर प्रॉब्लम ये है कि इनके पास जो सिम है वो सिर्फ एक ही है। यहाँ पे एक स्टोर है पीछे टेलीनॉर का, वो बंद है। दोबारा से पनवाड़ी की दुकान में आ गए। इनके पास नहीं है, क्या किया जाए। Thank you.
नेहरू प्लेस वाला सामान भी सारा ही है ना? कुछ लेना तो नहीं है क्या? लेना इलेक्ट्रॉनिक का कोई आइटम? मतलब इसमें बल्ब से लेके सब कुछ है? मेरे पास एक्चुअली वो भी है ना। क्या? मैं तो टॉर्च वॉर्च सब लगे। अच्छा अच्छा पूरा सिटी जैसा नहीं आ रहा है। हैं? वो गफ्फार मार्केट है। गफ्फार मार्केट ही है वाकई। अच्छा यहाँ की शॉप्स में एक चीज़ है, वो देखो तारे वारे लटक रही, साथ में नलके भी रखे हुए हैं, मतलब हाँ इलेक्ट्रिकल के साथ साथ में सैनिटरी भी है, है ना? और देखो नलके रखे हुए हैं यहाँ। देखो कितने प्यारे छोटे छोटे स्टोर हैं हार्डवेयर के, नेल वगैरह सब कुछ रखे हुए हैं। ये एक यहाँ पे छोटी सी मार्केट थी पीछे, सब्जी मार्केट, और उसमें कपड़ों की मार्केट भी थी, बहुत छोटी सी, छोटी छोटी दुकानें, ठीक वैसे ही जैसे हमारे भारत में भी छोटी छोटी दुकानें होती हैं। और सारा जो माल है वो सारा का सारा देखने से ही लग रहा था कि जो नया माल है वो तो सारा चाइनीज़। आप सोचिएगा चाइना ने पूरे दुनिया में सुई से लेके हर एक चीज़ को वो बेचता है आज की डेट में, और कहाँ से सस्ता आता है? चाइना से। यहाँ तक कि अगर कोई यहाँ पे प्रोडक्शन करने की सोचेगा भी सर्बिया में, उसका इतना ज़्यादा कॉस्ट आ जाएगा, वो उस प्राइस पे दे नहीं पाएगा जितने में चाइना देता है आज की डेट में। तो आप समझ सकते हैं हमारे भारत की भी यही समस्या है, जो पिचकारी चाइना का, चाइना हमें 10 रुपये की बना के देता है, भारत का कोई भी मैन्युफैक्चरर उसको 10 रुपये में दे नहीं सकता, हालांकि उसको उसमें ट्रांसपोर्ट का भी पे करना है, उसको टैक्सेस भी पे करने हैं, उसके बावजूद भी चाइना से सब कुछ आता है। हमारे भारत में भी है, लुधियाना में ये सब चीज़ें बनती हैं, लेकिन नहीं, फिर भी चाइना से सस्ती पड़ती हैं, ये है एक हैरानी की बात है। ये मेरे सामने है यहाँ पे निकोला टेस्ला म्यूज़ियम, जो कि सर्बिया में यानी कि बेलग्रेड में काफ़ी फेमस है। समस्या ये है कि आप देख सकते हैं इसमें लाइन लगी हुई है बेहिसाब, और लोग अपनी बारी का वेट कर रहे हैं, जब तक कि अंदर के लोग बाहर नहीं आएंगे तब तक कुछ लोग बाहर के अंदर नहीं जा सकते हैं।
बड़े स्लोली ये लाइन फिर ऊपर जाती है, फिर लोगों को रोका जाता है, और रुकने के बाद फिर जब तक वो अंदर के लोग बाहर नहीं आएंगे तब तक इनको अंदर जाने नहीं दिया जाता। तो समस्या ये है। फ़िलहाल यहाँ पे हमारे वेस्पा के स्कूटर खड़े हैं, इन्हीं को देख के काम चला लेते हैं। थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है, जो स्टोर्स हैं यहाँ पे वो बंद हैं आज, टेलीनॉर का भी, बड़े दूर से आई है A1 के स्टोर के लिए, ये भी बंद है। अंदर लड़कियाँ बैठी हुई हैं, इशारे कर रही हैं, पता नहीं क्या इशारे कर रही हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, कह रही हैं बाहर पढ़ो, बाहर लिखा हुआ है सर्बियन में। बेलग्रेड में आज एक समस्या ये हो गई कि इनका एनुअल सेंसस निकल रहा है, तो हज़ारों लोग जो है जुलूस निकाल रहे हैं, पुलिस वाले आगे आगे सारे हज़ारों लोग उनके पीछे पीछे, मेट्रोज कार सब बंद कर दिया है यहाँ पे। जैसे वो हमारे यहाँ वो टेम्पो चलता है एक, उसमें बड़े बड़े स्पीकर होते हैं, ठीक वैसे ही यहाँ पे भी इन लोगों ने लगा रखा है। और ये आप देखेंगे मेरे सामने कितने लोग हैं, पुलिस वालों को गाड़ियां रोकनी पड़ गई हैं। वो आप मेरे सामने देखेंगे पीछे गाड़ियां रोकी हुई हैं उन्होंने। अब जाके समझ आया कि ये पूरा जो शहर है आज बंद क्यों है, पूरा शहर बंद है। हम सोच रहे थे कि सिर्फ संडे की वजह से, ऐसा तो नहीं है संडे की वजह से। तो अब हम लोग वापस जा रहे हैं अपने हॉस्टल की तरफ, क्योंकि बाहर शहर में घूमने का कोई फ़ायदा है नहीं आज। देखेंगे शाम के टाइम निकलेंगे दोबारा से एक बार फिर से। तब तक के लिए अभी हम वापस जाएंगे, कुछ लंच करेंगे, और फिर लंच करने के बाद फिर दोबारा से हम लोग निकलेंगे। दरअसल दिन में यहाँ पे जो प्रोटेस्ट चल रहा था वो प्रोटेस्ट था एक अमेरिकन कंपनी के अगेंस्ट। वो यहाँ पे कोई खनन करना चाहती थी कंपनी, जिसको सरकार ने परमिशन भी दे दी थी, लेकिन लोग कह रहे थे कि ये हमारे यहाँ पे एनवायरनमेंट के लिए सही नहीं है। तो आपने देखा कि हज़ारों लोग वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, और पूरा जो बेलग्रेड है उन्होंने जाम कर दिया था। हर जगह पे जो ट्रैम्स है, यहाँ की बसेस है, वो सब कुछ बंद हो चुका था। तो उस वजह से हम लोग भी वापस हॉस्टल चले गए थे। अब हम लोग दोबारा निकले हैं, मेरे साथ में कुछ साथी हैं, चार लोग हैं ये आगे जा रहे हैं मेरे। तो हम लोग अभी कहीं बैठे हुए थे, तो दरअसल ये लोग बाहर में बैठे हुए थे, तो मैं अकेले था क्योंकि मैं तो कुछ खा पी सकता नहीं था वहाँ पर। तो अब ये
मुझे लेके जा रहे हैं कहीं पे कि हम आपको जो है वेजिटेरियन फूड दिलाते हैं। फिलहाल ये है यहाँ पे रिपब्लिक स्क्वायर, फेमस रिपब्लिक स्क्वायर पे हैं हम लोग। और अब आगे जाके यहाँ पे वो जो स्ट्रीट है पूरी वो फूड वाली है। वहाँ पे बहुत सारे कैफेज़ हैं, आपको अगर आपको रात में कुछ हॉस्टल में खाना बनाने का मन नहीं है तो यहाँ आके आप कुछ ना कुछ आपको खाने के लिए मिल जाएगा। तो फिलहाल देखते हैं क्या मिलता है। वेजिटेरियन की थोड़ी समस्या ये रहती है कि मैंने इन लोगों को भी अपने साथ में बोर किया हुआ है। फिलहाल ये हैं चार लोग, तो अब पता नहीं क्या मिलता है, देखते हैं, कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा। जो बिल्डिंग्स हैं यहाँ की वो हूबहू ठीक वैसे ही लगेगी आपको कि आप मॉस्को में कहीं पे चल रहे हैं। और सच बात यह है मुझे ये वाला जो आर्किटेक्चर है ये बेहद पसंद है। और यहाँ पे जो बिल्डिंग्स हैं ये आप देखें कितनी पुरानी पुरानी, ठीक वैसे ही जैसे मॉस्को की बिल्डिंग है, बहुत ज़्यादा पुरानी पुरानी ये बिल्डिंग्स हैं। कम से कम 200 साल 250 साल पुरानी बिल्डिंग्स हैं, आज भी वैसी की वैसी है। अब ढूंढेंगे भैया कुछ ना कुछ खाने के लिए, क्योंकि बाकी इन लोगों का तो हो गया मैं रह गया, तो अब मैं ढूंढ रहा हूँ कुछ ना कुछ खाने के लिए, देखते हैं क्या मिल सकता है। मेरे इर्द गिर्द में बहुत सारे बार्स, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, मेरे काम का इसमें से एक भी नहीं है। मुझे कढ़ी चावल खाना है यार, कढ़ी चावल की याद आ रही है। देश से बाहर ना ये एक अलग फीलिंग होती है। हम लोगों को जब तक हम लोग हैं देश में तब तक शायद हमें उस चीज़ का एहसास नहीं है, लेकिन जब देश से बाहर जाते हैं फिर बहुत याद आती है। कभी आपको अपने देश के बारे में कुछ लगे ना, आप एक बार देश से बाहर आइएगा, आप बहुत मिस करेंगे अपने देश को, अपने देश के लोगों को, अपने देश के खाने को। मेरे पास ऑप्शन है बहुत सारे खाने के, लेकिन वो ऑप्शन पर्याप्त नहीं है मेरे लिए। मुझे वो ठेठ इंडियन खाना खाना है, राजमा चावल परांठे खाने हैं दही के साथ, कढ़ी चावल खाना है। अब यहाँ पे समस्या एक बात हो गई है कि खाना तो चलो मुझे हॉस्टल में मिल जाएगा, हम ढूंढ भी रहे हैं यहाँ पे, लेकिन समस्या ये है कि अब बारिश शुरू हो गई ऊपर से, और अगर बारिश ज़्यादा होती है, हमारा हॉस्टल है उस साइड में, और ये लोग कंफ्यूज हैं अभी, पता नहीं क्या कर रहे हैं, ये किसी से पूछ रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा कर क्या रहे हैं ये लोग। अच्छा मैं हॉस्टल की तरफ निकलता हूँ, फिर मैं हॉस्टल की तरफ निकलता हूँ, ठीक है, ओके। कुछ देखता हूँ खाने पीने का इंतज़ाम। बेलग्रेड की गलियों में इतनी ठंड में ऊपर से बारिश हो रही है, मैं घूम रहा हूँ, आप लोग क्या कर रहे हैं आप ज़रूर बताइएगा।